बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत भोजपुर जिले में आज शांतिपूर्ण सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा। प्रातः सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ, संध्या को 6 बजे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई, जिसमें अनुमानित 50.2% मतदान अभी तक की सूचना मिली है। फाइनल रिपोर्ट हम लोग जैसे ही संकलित होगी तो हम लोग आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। जिले में कुल 3050 मतदान केंद्रों पर आज मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 21,18,504 थी। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सीएपीएफ के माध्यम से हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था की थी और कोई भी अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त। सर, शाहपुर में एक मामला सामने आया था, उसमें क्या कहना है? उसमें कोई कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग की बात है। शाहपुर में एक आपसी विवाद का मामला सामने आया था, जो कि मतदान से संबंधित उसका कोई संबंध नहीं था। वो दो गोतियों के बीच में आपस की बात थी, जो कि मतदान केंद्र के बाहर की चीज थी। उसका मतदान से या किसी अन्य निर्वाचन की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं था। सर, बढ़ारा में एक ऐसी घटना हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो उसका नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी मामले कुछ आए थे, शिकायत आई थी, उनका हम लोगों ने समाधान कराया था। कुछ वीडियो अगर वायरल हो रहे हैं तो उसका हम लोग थोड़ा स्क्रूटनी करके आगे जाते हैं। सर, एक सवाल और है सर। तरारी में कोसियर गांव में एक भी शायद मत नहीं पड़ा है। गांव में 2311 मतदान थे, मतदाता थे। प्राप्त सूचना के अनुसार 5 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। उन लोगों से बात की गई थी, परंतु सब लोग स्वतंत्र नागरिक हैं। अगर वो नहीं करना चाहते मताधिकार का प्रयोग करना, तो उसके लिए हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे 5 मतदान केंद्र की सूचना प्राप्त है।